एक नई डायलिसिस की तकनीक भी भारत में उपलब्ध हो गई है, जिसे हीमोडायफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये तकनीक। डायलिसिस की जो पुरानी विधि थी, उसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक मशीन में एक फिल्टर लगा होता है, जिसमें मरीज का गंदा खून प्रवाहित किया जाता है, और एक तरफ होता है गंदा खून और दूसरी तरफ होता है साफ डायलिसेट। तो इस डायलिसेट और खून के में जहर का आदान प्रदान होता है, और अवांछनीय तत्व खून का यह फिल्टर के जरिए बाहर फेंक दिया जाता है, और कुछ वांछनीय तत्व जैसे कि सोडा ये शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो यह है डायलिसिस की पुरानी तकनीक जो अभी भी प्रचलित है। लेकिन एक तकनीक है हीमोडाया फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि हम ऐसा फिल्टर यूज करते हैं जिसका पोर साइज काफ़ी बड़ा होता है, और जिसमें एक घंटे में काफ़ी ज़्यादा पानी निकाला जा सकता है मरीज का, और इसमें बड़े साइज के जहर निकाले जा सकते हैं। तो क्या होता है कि करीब 4 या 5 घंटे के सेशन में, अगर 4 घंटा हम हीमोडायफिल्ट्रेशन करें, तो एक मरीज का तकरीबन 30 लीटर गंदा खून का पानी साफ करके बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन यह फ्लूइड काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 30 लीटर, इतना निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं कि करीब 27-28 लीटर पानी उसी टाइम में साफ पानी का निर्माण करके मरीज के शरीर में वापस कर देते हैं। तो अगर 30 लीटर गंदा पानी निकालें और 28 लीटर साफ पानी अंदर डाल दें, तो नेट पानी 2 लीटर निकला, लेकिन जहर काफ़ी ज़्यादा गुना ज़्यादा निकल गया। और इस मॉडलिटी में चूंकि पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है, तो पानी के साथ साथ उस बड़े फिल्टर के छिद्र से बड़े साइज के जहर ज़्यादा आसानी से धुल जाते हैं। तो जो किडनी के मरीजों में लंबे डायलिसिस के बाद काफ़ी, अगर मरीज 4-5 साल डायलिसिस पे रह गया हो, तो कुछ ऐसे तत्व जमा हो जाते हैं जो बड़े साइज के हैं और जो कन्वेंशनल डायलिसिस से नहीं निकल पाए हों, तो उसे बोलते हैं रेसिडुअल सिंड्रोम, कि कुछ जहर जो बच गया। आप ऐसे समझें कि अगर घर का बर्तन एक आम सफाई से हम साफ करें, फिर भी कुछ गंदगी रह जाती है, तो आप क्या करते हैं कि उचित वक्त पे उसकी आप जबरदस्त सफाई करते हैं। तो इसी तरह किडनी फेलियर के मरीजों में कुछ तत्व, कुछ जहर जो बड़े साइज के हैं, जो कन्वेंशनल डायलिसिस से नहीं निकल पाए हैं, वह स्टैंडर्ड हीमोडायलिसिस से अगर नहीं निकले तो हीमोडायफिल्ट्रेशन से निकल जाए। तो ये जो बड़े साइज के तत्व हैं, जिसमें फास्फोरस एक है, और भी बहुत सारे तत्व जिससे भूख नियंत्रित होता है, जिससे रंग नियंत्रित होता है, जिससे एमिलाइडोसिस नाम की बीमारी समझ में आती है, जिससे नसों में कमजोरी आती है, ये सारे जहर हीमोडायफिल्ट्रेशन में बेटर निकलते हैं। और अगर इस मशीन का सहारा लें तो एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डायलिसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेटर हो जाता है। हाँ, शुरुआत में यह तकनीक थोड़ी महंगी थी, फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है कि यह भी सर्व सुलभ बन जाए, और ये अधिकतर अच्छे डायलिसिस यूनिट में उपलब्ध है, और ये अकॉर्ड अस्पताल में भी यह हीमोडायफिल्ट्रेशन विधि उपलब्ध है। धन्यवाद।